इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीप फंक्शन पाइथन में कैसे काम करता है और जीप फंक्शन को पाइथन हम लोग कैसे यूज करते हैं। अभी तक ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं पाइथन में, तो स्टार्ट करते हैं जीप फंक्शन इन पाइथन। मान लो कि आपके पास एक लिस्ट है और आपके पास एक और लिस्ट है। टोटल आपके पास दो लिस्ट हैं और आप क्या करना चाहते हो कि आप दोनों लिस्ट को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो। मेरा कहने का मतलब ये कि आप दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो। तो जीप फंक्शन क्या करता है, ये आपको एक टपल रिटर्न करता है। ये एक लिस्ट है, हमारे पास दो लिस्ट है। हमें क्या करता है कि दोनों लिस्ट के एक एक एलिमेंट हमें एक टपल के फॉर्म में देता है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन किया ए लिस्ट और एक दूसरी लिस्ट डिफाइन किया बी लिस्ट और यहाँ पे जीप फंक्शन यूज किया है। तो जीप फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, जीप और पहला लिस्ट और सेकेंड लिस्ट लिखते हैं और यहाँ पे दो वेरिएबल्स देते हैं ए कोमा बी। द ए विल रिटर्न द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट विच इज ए लिस्ट एंड बी विल गिव यू द एलिमेंट ऑफ सेकेंड लिस्ट। सो इन जनरल ए कॉमा बी विल गिव यू द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट एंड बी लिस्ट। सो हेयर इफ वी रन इट व्हाट वी गेट इज वी गेट ए वन, फर्स्ट वी गेट ए वन एंड देन बी वन विच इज ए एंड बी। देन इन द सेकेंड इटरेशन वी गेट ए टू एंड बी टू विच इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द दिस लिस्ट एंड इन द थर्ड इटरेशन वी गेट ए थ्री एंड बी थ्री। सो दिस इज हाउ यू यूज द जीप फंक्शन। सो आप यहाँ पे इंटीजर ले सकते हो और उसको सम भी करा सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दो लिस्ट लिया है, अभी इन दोनों में इंटीजर स्टोर्ड है और मैं क्या कर रहा हूँ ए बी को साथ में एक्सेस कर रहा हूँ और प्रिंट क्या करा रहा हूँ ए प्लस बी। तो हमें रिजल्ट मिलेगा लाइक 4 + 1 = 5, 2 + 5 = 7 एंड 3 + 6। सो इन जनरल वी कैन से डेट द जीप रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स वेयर द आईथ टपल इज द कंटेन्स आईथ एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द इटरेट्स। अगर दो लिस्ट हैं तो पहले क्या मिलेगा, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट, फिर दोनों का सेकेंड एलिमेंट, फिर दोनों का थर्ड एलिमेंट, इस तरह से। अब मान लो आपने सोचा कि अच्छा ठीक है ये तो ऐसे काम करता है, लेकिन तब क्या जब दोनों लिस्ट के लेंथ अलग अलग हो। तो जब दोनों लिस्ट के लेंथ अलग अलग होंगे तो ये जो छोटा वाला लिस्ट है उसको फॉलो करेगा और उसमें जितने एलिमेंट होंगे उतनी बार रन करेगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रिटर्न करेगा। सो लाइक व्हेन वी रन दिस पीस ऑफ कोड, यहाँ पे जो छोटा वाला लिस्ट है उसमें तीन एलिमेंट हैं ए वन ए टू ए थ्री। तो हमें पहले क्या मिलेगा, ए वन बी वन, फिर ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री। ये फोर्थ एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि जो ये जीप फंक्शन है वो छोटे वाले लिस्ट को फॉलो करेगा और उसमें जितने एलिमेंट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये रन करेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट हमें सेकेंड वाले लिस्ट में होंगे वो मिलेंगे और जो बड़ा वाला लिस्ट है उसके बाकी एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेगा। सो इस तरह से जीप फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथन में और फॉर लूप से।